Hi everyone, welcome to Arpita Sharma Classes. I am Arpita Sharma, your educator, and this is 24th of May 2022, the Hindu newspaper analysis plus the preliminary mock test. तो अभी आज के लेक्चर में हम एज यूजुअल एनालिसिस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड अलोंगसाइड द एनालिसिस वी आर आल्सो गोइंग टू सॉल्व प्रीलिम्स बेस्ड मॉक टेस्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. ऐसा नहीं है कि अलग से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जो भी आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन दोज आर्टिकल्स दैट वी आर स्टडिंग और एनालाइजिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीलिम्स बेस्ड मॉक टेस्ट. ओके, सो दैट वे यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड हाउ क्वेश्चन आर फ्रेम्ड इन द UPSC examination from the newspaper itself. Newspaper से, current affairs से कैसे questions frame होते हैं UPSC में, prelims में, वो आपको समझ आ जाएगा इस lecture के through. And daily these lectures are getting uploaded for you. Why? So that you may become more and more analytical, more and more productive when it comes to the UPSC preliminary examination. आप smarter बनते जाओ, revise करते जाओ daily, strategic बनते जाओ, यही हमारा aim है. Let's get started without any delay. So the first important article on page 1 is India to be the leader of green hydrogen. Now these PDFs of these lectures will be uploaded on my Telegram channel once this lecture is uploaded. Ek bar ye lecture upload ho jaye aap log dekh lo, uske 1 hour baad jo PDF hoga is lecture ka wo hamare Telegram channel pe upload ho jayega. So you can download the PDF from our Telegram channel which is simplifying UPSC with ease. The link is given below in the description box. So here we need to study about the green hydrogen and also the World Economic Forum that is going to be conducted in Davos right now. Abhi Davos mein World Economic Forum conduct ho raha hai, wahan par green hydrogen ki baat ki gayi hai and Mr. Puri has said, he is Hardeep Singh Puri, he has said that green hydrogen is going to make India the leader, okay, when it comes to एनर्जी जनरेशन. सो लेट अस स्टडी अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन. सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं. देखो, व्हेन आई से ग्रीन हाइड्रोजन दैट डज नॉट मीन दैट द गैस इज ग्रीन इन कलर. नो, द हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, इट इज इनविजिबल, बट द कलर कोडिंग इज गिवन सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोजन गैस. वी हैव ब्लू हाइड्रोजन गैस, वी हैव ब्राउन हाइड्रोजन गैस, वी हैव ग्रे हाइड्रोजन गैस, ग्रीन हाइड्रोजन गैस, टर्कोइज हाइड्रोजन गैस. तो ये कलर कोडिंग दे रखी है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके, वरना कलर फुल नहीं होती है ये हाइड्रोजन गैस. ओके, इट इज इनविजिबल और इट इज कलरलेस. दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स. ओके, सो यू नो स्टूडेंट्स माइट गेट कंफ्यूज्ड इन प्रीलिम्स इफ दे आस्क हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, दे विल मार्क इट एज इनकरेक्ट ऑप्शन, बट दैट इज रॉन्ग. हाइड्रोजन गैस इज, यस इट इज कलरलेस, इट इज इनविजिबल. सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हाइड्रोजन विल मेक अप 12% ऑफ द एनर्जी मिक्स बाय द ईयर 2050. तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, IREA ने ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले 2050 तक 12% हमारा जो एनर्जी मिक्स है, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज दैट वी यूज टू सस्टेन, उसमें 12% हाइड्रोजन गैस का होगा. सो हाइड्रोजन गैस इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ, इट इज अ वेरी क्लीनर ऑल्टरनेटिव और क्लीनर फ्यूल ऑप्शन. एंड ग्रीन हाइड्रोजन स्पेसिफिकली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, वाटर एनर्जी. तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन बनती है. एंड दैट इज वाई it has a very low carbon footprint and it is known as a cleaner alternative. Okay, and when we do the water electrolysis, electricity splits the water into two components, hydrogen and oxygen, and we get the byproducts as water and water vapor. So jab water ka electrolysis hota hai to usme kya hota hai, two components mein इलेक्ट्रिसिटी वाटर को स्प्लिट करती है, डिवाइड कर देती है. दैट इज, वन इज हाइड्रोजन, वी गेट द ग्रीन हाइड्रोजन गैस, अनदर इज ऑक्सीजन. एंड द बाय प्रोडक्ट्स दैट वी गेट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस आर वाटर एंड वाटर वेपर. वी हैव ब्राउन हाइड्रोजन ऑल्सो. ब्राउन हाइड्रोजन इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल वेयर एमिशंस आर रिलीज्ड टू द एयर. सो इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते एज अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव. ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस where the associated emissions are released to the again air. Okay, so here when we use water electrolysis process, that makes sure that the carbon footprint of the emission are very very low. Okay, and that is why, and plus the byproducts are also not harmful. Water and water vapor are the byproducts, so that is why it is considered as the cleaner alternative.
Then we have the blue hydrogen also, which is again produced from natural gas, and the emissions are captured using carbon capture and storage. Okay, तो हमने पढ़ा हाइड्रोजन क्या है. बेसिकली हाइड्रोजन इज नॉट अ एनर्जी सोर्स, इट इज नॉट एन एनर्जी सोर्स, इट इज एन एनर्जी कैरियर. ओके, सो दिस अगेन अनदर इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेम्बर. हाइड्रोजन एनर्जी कैरियर है, कैरी करता है एनर्जी को, सोर्स नहीं है, वहां से नहीं आ रही है एनर्जी. इट कैरीज एनर्जी, इट कैन डिलीवर और स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, एंड इट हैज हाई एफिशियंसी. ओके, ग्रीन हाइड्रोजन जो है इट हैज हाई एफिशियंसी, प्लस इसकी जो एमिशंस है वो नियर जीरो ही होते हैं. एंड इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स आल्सो. व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल्स? सो दैट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन जनरेट पावर, वी कैन जनरेट हीट. ओके, सो दैट इज व्हाई ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द वेरी और यू नो क्लीन एंड वेरी कंफर्टेबल एनर्जी सोर्स. सो वॉट कैन बी द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन फॉर इंडिया? भारत के लिए बेनिफिट्स क्या रहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करने के? देखो, फर्स्ट तो ये, इट्स अ क्लीनर एनर्जी सोर्स, इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन फाइटिंग द क्लाइमेट चैलेंजेस. ओके, वी ऑल नो दैट. तो जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है, हम बेसिकली उसको बोलते हैं कि क्लीन ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, ऑल्टरनेटिव फ्यूअल है जिसको हम यूज कर सकते हैं. सो दैट मीन्स इट कैन हेल्प अस टू टैकल द क्लाइमेट चेंजेस राइट नाउ. अभी क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं उनको, उनसे डील करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हमारी काफी हेल्प कर सकता है. एंड इंडिया हैज प्लेज्ड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 33-35% फ्रॉम 2005 to 2030. एंड वेन वी स्विच टू green hydrogen, we can easily attain this target. Second important reason why it is, you know, a suitable, you can say, source of energy, it will reduce import dependency on fossil fuels. When we are producing green hydrogen, when we are using green hydrogen domestically, why will we depend on the fossil fuels import? Hum fossil fuel ko import karne pe kyun dependent rahenge jab hum khud ka apna energy source pe rely kar rahe hain. Okay, so it will also localize the electrolyzer production. What is electrolyzer production? Through which the green hydrogen is produced, through water electrolysis. And development of green hydrogen projects can also create a new green technology market in India, which can open global opportunities for all of us. We all know that every nation in the world right now is tackling with the, you know, coping with the climate change. So, agar hamare paas green hydrogen ke projects zyada se zyada develop hote hain India mein, to ek hum ek achha lucrative source of investment ban jayenge baaki nations ke liye. Okay, ek badhiya market hub ban jayenge baaki nations ke liye. Plus India also has a very favorable geographic location because we have sunlight in abundance, we have wind power in abundance, and this is needed for producing the green hydrogen. And Ministry of New and Renewable Energy also has circulated a draft cabinet note to establish a hydrogen ecosystem. This is a draft cabinet note. Abhi isko properly implement nahi kiya hai, but yes, our government is talking about establishing an, you know, this kind of hydrogen ecosystem. So, and plus in the budget this year also, government announced the National Hydrogen Energy Mission that India is following. So, yahan par ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से ना ही हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे, बट ऑल्सो वेन इट कम्स टू इकोलॉजी वाइज और इन्वायरमेंटल वाइज, वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी मोर, मच मोर, यू नो, यू कैन से सेल्फ रिलायंट. सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इज वाइटल फॉर इंडिया टू मीट इट्स नेशनली डिटरमिंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट. ग्रीन हाइड्रोजन कैन एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन. Green hydrogen blending up to 10% may be adopted in GCD networks to gain widespread acceptance. You have to identify the correct statement from above. In तीनों में से correct statement कौन सा है, जल्दी से बताओ. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है सी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखो कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया. सी, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी इज वाइटल फॉर इंडिया टू मीट इट्स नेशनल डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स. जस्ट नाउ वी स्टडीड, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, कहाँ गया? It was on which page? Yes, over here. India pledged to reduce emission intensity of its economy by 33-35%. Okay, by 2030. So yes, it is necessary for India to adopt this energy in order to meet our national determined contribution targets. अपने targets को meet करने के लिए ये energy use करना जरूरी है. First statement आपका correct है, so B will be eliminated, D will be eliminated. Second statement, green hydrogen can act as an energy storage option. Just now I explained it to you, yahan par. Okay, that hydrogen is an energy source. It can deliver or store a huge amount of energy. So yes, second statement is also correct. A will be eliminated.
automatically using elimination method, you reach out to the correct answer over here, which is C. Statement 1, 2, 3, all of them are correct. So hydrogen, it is a colorless invisible gas. It is green. There are different kinds of hydrogen gas, green, white, pink. Okay, ye pink nahi, pink hai. Brown, blue, turquoise, grey, alag alag color ke, you know, hydrogen gases hai. But these are color codes. That means these are nicknames to help us differentiate between different types of hydrogen. Okay, point clear? Coming on to the next question. Next question pe aate hain. This is a homework question for all of you. You have to answer it yourself. Comment section mein also you can answer. 10 marks ka question hai. Explain the benefits of green hydrogen. Just now we have discussed the significance of using green hydrogen gas. You have to explain it. In the introduction, you will start with introducing what is, you know, green hydrogen gas, how it is produced, and then you will explain the benefits. Question number 2, consider the following statements. Green hydrogen is defined as hydrogen produced by splitting water into hydrogen and oxygen using renewable electricity. Second, on 15th August 2021, National Hydrogen Mission was announced to target production of 3/4 of its hydrogen from renewable resources by 2080. Third, hydrogen is seen as potential fuel to replace fossil fuels in future. You have to select the incorrect statement. Isme se galat statement identify karni hai, to identify the wrong statement over here. First statement is correct because just now we have studied it is produced by splitting water into hydrogen and oxygen by water electrolysis. First statement is correct. Theek hai, first statement correct hai, A will be eliminated. Second, on 15th August 21, National Hydrogen Mission was announced. Yes. Target hai 2080 tak? No, it was 2050. Second statement is wrong. Second statement galat hai aapka. D eliminate ho jayega. Third, hydrogen is seen as potential fuel to replace fossil fuels in future. That is correct. B will be eliminated. C is the correct answer. That is only statement 2 is incorrect. So, yahan par correct answer B ho, C ho jayega aapka. Now coming on to the next important pointer in this article, that is about the World Economic Forum. Now WEF ka bhi meeting chal rahi hai Davos mein, our Prime Minister has also reached there. So World Economic Forum was established in 1971. Formerly it was known as European Management Forum, but later on in 1987 the name changed and the new name was World Economic Forum. And the founder of this forum or international organization was Klaus Schwab. ओके तो ये इसके फाउंडर थे. इट्स अ पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एनुअल मीटिंग होती है डवोस में, स्विट्जरलैंड में. ठीक है, एंड इसका कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है. जस्ट इज अ लाइक ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर द लीडर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस दे कम टुगेदर, द बिजनेसमैन, द बिजनेस लीडर्स, द एंटरप्रेन्योर्स, द चीफ मिनिस्टर्स, ओके, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, लीडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, दे यू नो कम टुगेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर नेशंस एंड ऑफ देयर यू नो रिस्पेक्टिव sectors. Main focus of WEF is mastering the fourth industrial revolution, that is the tech-based revolution that is going on, solving problems of global commons, the global, you know, common problems, climate change se related, startups se related, jo bhi common problems hai, international common problems, unko solve karne ki koshish karte hain. They address global security issues as well. And there are four annual meetings which are conducted by this platform. First is conducted in Davos, World Economic Forum annual meeting, that is going on right now. Second is the annual meeting of new champions, which is conducted in China. Then annual meeting of global future councils conducted in UAE, and industry strategy meeting is also conducted. फिलहाल यू नो ये भी बोला जा रहा है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड बातें भी इस प्लेटफॉर्म पर अभी होंगी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. इंडिया, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर प्रीलिम्स इज दैट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड 19, प्लस थैंक्स टू आवर वैक्सीन सप्लाई ऑल्सो टू द अदर वल्नरेबल नेशंस एंड अदर नेशंस, यू नो वी हैव बैक्ड दिस पोजिशन. Before we move forward, here's a small announcement for all of you. Unacademy announces the mains mentorship program 2022 for the UPSC CSE learners. Now here in this mains mentorship program, you will be given the chance to gain mentorship from the top educators who have
Some of them have themselves cleared this exam. Some have subject-based experiences, years of experiences. You will get live mentorship with top educators. Plus, it's an answer writing program where you will learn to, you know, sharpen your answer writing skills. कैसे structure करना है answer को, कैसे introduction form करना है, कैसे body of the answer या conclusion form करना है. उस सब में आपको help की जाएगी Unacademy Plus के इस mains mentorship program में. इसमें आपको 1 month का extension मिलेगा plus subscription पर. All you have to do is click on the link given below in the description box or scan the QR code, this QR code over here, click on enroll now and provide your details to get enrolled. Plus agar aap Unacademy Plus par subscription le rahe ho to Arpita10 code use karke aapko easily 10% ka discount bhi milta hai aapke Plus ke subscription par. And soon the prices are going to rise on Unacademy Plus. 20% ka increment hone ja raha hai prices mein. Make sure that you take your subscription before the price rise. Also, Unacademy Plus is giving you new offers, wonderful offers. For example, we are giving you 10 printed booklets to ace your UPSC CSE preparation. So, agar aap iconic subscription Unacademy Plus par lete ho, to aapko 10 printed booklets milengi which are going to cover 10,000 plus topic wise questions. That means whatever topics you will finish, you will get to, you know, practice questions based on those topics. It will include previous year questions of the last 7 years with detailed explanations and solutions. Plus it will include best of Unacademy combat questions jo har Sunday combat create, you know, conduct kara jata hai Unacademy ke dwara. Usme se bhi questions aapko yahan par solve karne ko milenge. Ye 10 printed booklets 10,000 se upar questions carry karengi, to aapka practice itni zyada ho jayegi ki prelims mein apne aap hi confidence increase ho jayega. And this offer is valid only till tomorrow, that is 25th of May 2022. So do not forget to take your Unacademy iconic subscription today in order to avail these offers. As we all know, on इस प्लेटफॉर्म पे जो डबोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है इन डबोस, यू नो आवर नेशन हैज प्लेज्ड टू टॉक अबाउट द प्रो प्लैनेट अप्रोच, P3 अप्रोच, प्रो प्लैनेट पीपल. इंडिया ने कहा है कि हम लोग प्रो प्लैनेट पीपल हैं. सो इंडिया इज फोकसिंग ऑन क्लीन, green, sustainable and reliable energy goals. Plus we have also talked about, our prime minister also talks about life, that is lifestyle for environment. This idea has been given by Prime Minister Narendra Modi at the UNFCCC COP 2006. vision yahi hai ki hame aisi sustainable lifestyle inculcate karni hai, lekar aani hai, jisse hum future mein koi bhi climate crisis aaye usko acche se usse cope up kar sake aur deal kar sake. We have to become so much resilient. So on this basis you have to solve the following question. तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इट इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1971 बेस्ड इन न्यूयॉर्क. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज क्लॉस श्वाब. तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, वेरी इजी. फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट बेस्ड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में थोड़ी है, इट इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, जिनीवा. ओके, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, दैट मीन्स सी इज एलिमिनेटेड. सेकेंड, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज क्लॉस श्वाब, यस दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ. ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन पेज 1, वर्ल्ड मे हैव लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब सेज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो जेंडर गैप रिपोर्ट आई है सामने, जिसके अंदर ILO ने मेंशन किया, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया कि जेंडर गैप जो है वो इंडिया का जो डेटा है जेंडर गैप से रिलेटेड वो आया है. एंड इट इज नॉट वेरी गुड, इट इज नॉट, यू नो, वेरी अफर्मेटिव. सो फर्स्ट लेट इज अंडरस्टैंड अबाउट ILO एंड देन वील स्टडी दिस रिपोर्ट. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी है. इट इज द ओनली ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी विच ब्रिंग्स टूगेदर गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स. दैट इज वाई इट इज अ ट्राइपार्टाइट एजेंसी. तीन लोगों को साथ में लाती है, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इट हैज टोटल 187 मेंबर स्टेट्स. वाई इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1919 में जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया गया था. When you study the world history, you will study about Treaty of Versailles also. So in 1919, Treaty of Versailles was signed when this, you know, organization came into the existence. Why? To set labor standards in order to help the labor, okay, to get them decent work for both men and women, to promote decent work, to promote equal wages, to promote efficient wages and efficient workplace environment.
to take care of the labor. That is why this organization was established and it became the first affiliated specialized agency of UN in the year 1946. And the headquarters again is in Switzerland. Ye headquarters aapko yaad rakhne hai in organization ke and the year of establishment and whether India is a member or not. To ye bhi point yaad rakhna hai. Theek hai? So it received Nobel Peace Prize in 1969. Another important preliminary fact over here. So what is the function of this particular organization? First is to create coordinated policies and programs to make sure that the labor are well treated at the workplace. Second, international labor standards set karna so that the member countries will follow those labor standards to take care of their labor industry. Plus, always remember, if the member countries are not following the international labor standards which are set by this organization, then they will be penalized. Unpe penalty lagegi. And assistance to member states in solving social and labor problems. If in one member state there is any kind of social problem or labor problem going on, another member state can help this country to solve those problems and issues. Plus, human rights protection is also one of the function of this organization. Research and publication. What kind of research and publication? These kind of reports. Okay, they are also published. They are a part of research and publication so that governments may become aware about the situation that is going on in their own nation. All right. So that they can work to clear the issues, clear the challenges and problems which the laborers are facing. So let us solve this question. Consider the following statements. The ILO sets international labor standards with conventions which are ratified. Ratified means accepted by member states, but they are not binding. ऐसा नहीं है कि भाई करो उसको follow. ठीक है, binding हो गया, mandatory हो गया. Second, in ratifying an ILO convention, a member state accepts it as a legally binding instrument. Conventions are adopted by International Labour Conference, which is the correct option. इसमें से correct option कौन सा है? देखो, first is correct. Why? Yes, ILO sets international labor standards and morally it is our duty if we are a member of this organization, we should follow it. But it is not binding. ऐसा नहीं है कोई हमारा हाथ मरोड़ के हमसे follow करवाएगा ये. ठीक है? तो first is correct. B will be eliminated. ठीक है? Then second, in ratifying ILO convention, a member state accepts it as a legally binding instrument. अगर कोई convention आता है ILO का और member state इसको accept कर रहे हैं, तो उस case में वो legally binding instrument बन जाएगा. That is correct. ठीक है, अ कन्वेंशन इज कमिंग बाय ILO एंड यू आर यू नो एक्सेप्टिंग दैट कन्वेंशन, यू आर एक्सेप्टिंग टू पार्टिसिपेट इन इट, देन इट बिकम्स अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट. यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू यू नो इफ यू आर गोइंग देयर यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू हैव टू फॉलो इट, राइट. सो सेकंड इज करेक्ट. ये तो लेबर स्टैंडर्ड्स की बात है, ये कन्वेंशन की बात हो रही है. सो सेकंड इज करेक्ट, दैट मीन्स ए विल बी एलिमिनेटेड, सी विल बी एलिमिनेटेड. करेक्ट आंसर इज डी. ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट. Question number 5. Consider the following statements about governing body of ILO. It is the apex executive body of ILO. Governing body decides policies, program, agenda, budget and elects a director general. It meets in Geneva and it meets 3 times annually. So, इसमें correct answer कौन सा है? देखो, governing body जो है, when we are saying governing body, that means it is governing and governing is the highest form of administration. So, first and second will be correct. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. आपका यहाँ पर थर्ड भी एक्चुअली करेक्ट है. फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स ए विल बी एलिमिनेटेड, बी विल बी एलिमिनेटेड, सी विल बी एलिमिनेटेड. इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई डी एज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बाय लॉजिक ऑल्सो. ठीक है, सो यूज लॉजिक एज वेल एज योर इनर इंस्टिंक्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन यू आर स्टक इन इट. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, द ग्लोबल वेज रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ILO, WEF, UN or none of the above. Global wage report. Yes, wage report है. तो A is the correct answer. International Labour Organization. Next question. Question number 7. Consider the following statements. ILO became the first specialized agency of UN in 1946. It received Nobel Peace Prize in 1979. It is the only tripartite union agency. Yes, UN agency. Third statement is correct. Third तो आपका correct ही है. A will be eliminated. ठीक है? Coming on to second statement. It is saying 1979 में Nobel Peace Prize मिला था. नहीं, it was in 1969. Second is incorrect. तो B will be eliminated. ठीक है? First statement. ILO became first specialized agency 1946 में बना था. First specialized agency. Correct. तो डी भी हट गया आपका. सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर.
Going on to the next question, World Employment and Social Outlook report is published by World Economic Forum, United Nations, WTO, ILO. Correct answer यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ. Very good. It is D. Coming on to the World of Work report, the actual news that's why we were studying ILO. So this report has been published by International Labour Organization, and the key findings of this report are that the number of hours which were worked globally की बात हो रही है, ठीक है? Number of hours जितने घंटे globally लोग काम करते थे ना, it has decreased in the first quarter of 2022. 2022 के जो first 3 months है, उसमें number of hours globally has decreased to 3.8%, which is below the employment situation before the pandemic. Pandemic से पहले जो employment situation थी, जितने number of hours लोग काम करते थे, उसमें 3.8% का गिरावट आई है, ठीक है? And in this period, 2021 to 22, 11.2 crore jobs were lost. This is a very big number. बहुत बड़ा number है, कोई छोटा मोटा number नहीं है. 11.2 crore jobs खोई हैं लोगों ने इस time period में. And India and lower middle income countries experienced deterioration of gender gap in work hours. That means for every 100 women at work before the pandemic, 12.3 women would have lost their job as an average. Average 12.3 महिलाओं ने अपनी jobs lost कर दी हैं, यानी कि खो दी हैं, lose कर दी हैं. And हर 100 आदमी में equivalent figure, हर 100 men जो हैं, equivalent figure would have been 7.5. Same अगर average निकालें तो आदमियों में 100 आदमी में 7.5 आदमियों ने as an average jobs अपनी खोई हैं. So this pandemic situation has exacerbated the already substantial gender imbalance. जो देखो 7.5 100 आदमियों में 7.5 average आदमी ने jobs खोई हैं. वहीं औरतों में 100 औरतों में 12.3 औरतों ने अपनी jobs खोई हैं. Gap तो है ही, gap is huge over here, ठीक है? And pandemic की वजह से ये gap increase हो गया है. It has increased because of pandemic. So this is the finding of the report of ILO, World of Work report. Remember this, this is published by ILO. Ye prelims ke liye point please yaad rakhna. The next important article, India to join Biden's new trade initiative for Indo-Pacific region. So Indo-Pacific economic framework, yesterday we discussed this, IPEF launch kiya hai Joe Biden ne. So there are 4 main pillars in this framework. First is the trade, second is supply chain resiliency, third is clean energy and decarbonization, that means carbon footprint ko kam karna, and taxes and anti-corruption measures. These are the 4 pillars on which this IPEF has been formed, and India has hinted that it is going to support this particular platform. So IPEF is not a traditional trade agreement. Ye koi trade agreement nahi hai. Countries would have to sign up to all of the components within a module, but they do not have to participate. Ye jo 4 components hai, countries agar join kar rahi hai IPEF, wo charo ko follow to karengi, but zaruri nahi hai ki wo har module mein participate kare. Theek hai? So that means it is not very forcefully binding on the nations who are becoming members of this platform. So it will not include market access commitments. ऐसा नहीं है कि basically this framework is kind of a framework which is going to unite the nations and which is going to spread awareness among the nations, because Ukraine and Russia के बीच में war चल रहा है, China अलग से अपना हाथ ऊपर कर रहा है, तो इस केस में सभी nations मिलकर एक साथ कैसे prosper कर सकती हैं, कैसे consultative way में आगे बढ़ सकती हैं, cooperate कर सकती हैं, इसीलिए इस platform को तैयार किया गया है. And this bluish area is region. ये bluish area होता है आपका Indo-Pacific region. Okay? IPEF is not, yes, it is being launched when the Quad Summit is going on, but it is not an initiative by the Quad Summit. It is a separate initiative of US. That you have to remember. Another important point. So it is not a traditional trade agreement. It is kind of a platform wherein US is trying to regain its credibility. After the US, UK, Ukraine and Russia war, US is kind of losing its credibility, and that is why IPEF is a chance for US to regain its credibility in the Indo-Pacific region. And we know Donald Trump, when he was the president of US, he pulled out of the TPP, Trans-Pacific Partnership, se bahar nikal gaye the ye. Okay, so that is why this IPEF has been established, so that US again can prove to the other countries globally that we also have a substantial hold or control over the Indo-Pacific region. So IPEF was announced by Joe Biden in 2021. The aim is to set regional standards for cooperation, including ASEAN member states. Okay?
And you know, when TPP was, you know, US took itself out from the TPP, CPTPP was launched. जब TPP में से US ने membership ने वापस ले ली थी, तो remaining of the countries together they formed a CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. It was formed in 2018, the same year when US, you know, pulled itself out. So the member nations are the 11 countries who are along the Pacific Rim. These are Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Brunei, Singapore, Malaysia, Vietnam and Japan. Okay? And India is not a member of RCEP or CPTPP. That you have to remember for prelims. So let us answer this question. Consider the following statements. IPEF is envisaged as a response to growing Chinese economic ties with the rest of Asia. China is now applying for membership in the CPTPP. Which statement is correct? Kaunsa statement correct hai yahan par? Very good. All of the above statements are correct. Dono hi statement absolutely correct hai aapke yahan par. Going on to the next important question, consider the following statements about CPTPP. The agreement calls for free trade area to be created as per requirement of Article 24 of GATT and Article 5 of GATS. It eliminates tariff and reduces barriers for 98% of exports to CPTPP member countries. It was signed by 11 countries on March 8, 2018 in Santiago, Chile. Correct code yahan par kaun sa hoga? Very good. All of the above statements are correct. D is the correct answer. यहाँ पर D आपका correct answer होगा. आगे बढ़ने से पहले छोटी सी announcement आपके लिए. Unacademy launch कर रहा है UPSC CSE GS Mega Combat on 29th of May 2022 at 11 AM sharp. It will be a live combat जो कि prelims based mock test है, current affairs special है, and you can enroll for free using code ARPITA10. So make sure that you enroll today. The link is given below in the description box. Now the next very important news, that is Vinay Kumar Saxena ji will be the new Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi. As you all know, LG Anil Baijal sir has given his resignation and now the new LG will be Vinay Kumar Saxena ji. Now when we talk about Vinay Kumar Saxena ji, he will be now the 22nd LG of Delhi and he was the chairman of Khadi and Village Industries Commission. Now he was the chairman of KVIC and it has founded an NGO in 1991. He established this NGO called National Council for Civil Liberties and this NGO has, you know, been against many major, people. Against means ki bahut sare aise major log hain jinke against inhone apna stand liya hai. For example, he opposed Medha Patkar's Narmada Bachao Andolan as well. And from the perspective of Indian polity, there are few pointers that you should remember. First is Article 239AA of Constitution, which makes special provisions relating to Delhi. And second is Article 239, every union territory in India shall be administered through an administrator appointed by the president. This is a very important point. 239 Indian Constitution ka jo article hai, wo ye kehta hai ki har union territory इंडिया में जो है उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेट करेगा एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उस एडमिनिस्ट्रेटर का नियुक्ति जो होगी या चयन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा होगा. सो बेस्ड ऑन दिस लेट अस आंसर सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आर्टिकल 239A सिंबलाइजेस सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर अबव द एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. Second, the secretaries are not empowered to issue orders on their own or upon the instruction of the administrators. Third, government secretaries were bound to take instructions from the ministers and council of ministers headed by the chief minister. Which option is correct? Which option is incorrect? Kaunsa statement incorrect hai? See, third statement is correct. Why? Because dekho, council of ministers headed by CM, government secretaries jo hote hain, wo council of ministers se instruction lete hain, jinke upar kaun baitha hota hai? CM. Ye baat to sabko pata hai in newspaper. Every day if you are reading the newspaper, you know about it. Third statement is correct. So B will be eliminated. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, सेक्रेटरीज आर नॉट एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डर्स. यस, सेक्रेटरीज जो है वो ऑर्डर्स इशू नहीं करते अपने विल से. ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर के इंस्ट्रक्शन के के बाद भी ऑर्डर्स इशू नहीं करते. द ऑर्डर्स डायरेक्टली आर इशूड व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर गिविंग अ ग्रीन फ्लैग. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ए विल बी एलिमिनेटेड. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ
First statement is saying Article 239A symbolizes supremacy of legislature above administrator in case of union territory of specially Puducherry. Yes, it is correct. It was in the news in 2021 in the month of June. तो यहाँ पर आपका none of the above are incorrect. कोई भी option इसमें से गलत नहीं है. Next question, Article 239AA, just now we have studied, states that LG has to either act on the aid and advice of Council of Minister or he is bound to implement the decision taken by President on a reference made by him. Second statement, it empowers the LG to refer to a difference of opinion on any matter with Council of Minister to the President. तो यहाँ पर this we had seen in the news between Anil Baijal sir and Arvind Kejriwal sir, उनके बीच में जो भी issues tussle रहे हैं throughout 2020-21, so we had come across 239AA article a lot of times in the newspaper. So here the correct answer will be, यहाँ पर correct answer होगा C, all the above statements are absolutely correct. Coming on to the next article, Center reconstitutes Interstate Council. तो यहाँ पर आप ये article पढ़ेंगे अगर, तो इसमें लिखा है that the Interstate Council which works, underline this, to promote and support cooperative federalism. So what is cooperative federalism? When the center and state work together, when there is a feeling of unity and brotherhood, that is cooperative federalism. ठीक है, तो Interstate Council किसके लिए बनाया जाता है? So that you know there is there is existence of cooperative federalism in the country, so that the state and the center, they work together in unity. Prime Minister Narendra Modi as chairman in the new Interstate Council and chief ministers of all states as the and the six union ministers as members. So taking that into account, this new Interstate Council has been constituted. Government has also reconstituted the Standing Committee. We will study about the Standing Committee also. What is the Standing Committee? We will study that as well. The Interstate Council, what is it? First, let us understand Article 263. Article 263 says that there should be an Interstate Council. Ek Interstate Council ko establish karna hai. That is under Article 263. Please underline this. This is important for Indian polity. Now, it also says an interstate council should be established. Why? So that there is coordination between states and between center and states. Among the states and between center and states. States ke beech mein bhi coordination ho, or center of states ke beech mein bhi coordination ho. To maintain this, interstate council should be established. And president can establish such a council at any time it appears to him that public interest would be served by establishing this council. Jab bhi president ko lage ki bhai isse public ka bhala hona hai, to us case mein interstate council president ke dwara establish kiya jata hai. Okay, let us answer this question. Constitution also defines certain duties for the interstate council. First, inquiring into and advising upon disputes which may arise between states. Second, investigation and discussing subjects in which the states or center and states have a common interest. Third, making recommendation on limited subject for better coordination of policy in action. Read the statement very carefully. You have to read in between the lines. ठीक है, only then you will be in a position to analytically answer the question. Question says select the incorrect code. यहाँ पर से incorrect statement आपको identify करना है. Inquiring into and advising upon disputes which may arise. Correct. States के बीच में कोई dispute होता है तो उसमें advice देना, inquire करना, ये role होता है. That is correct. A will be eliminated, C will be eliminated. Second statement says investigation and discussing subjects in which states or centers and states have a common interest. Correct. वो subjects पे बात करना, discussion करना या investigation करना जिसमें center और states का common interest हो. ठीक है, तो second statement correct है आपका. Third, making recommendation on limited subject for better coordination of policy in action, incorrect. Limited subject क्या होता है? Any subject, okay? Because there is no one subject which is excluded from the discussion. कोई भी subject, center or states, पूरे nation में जो भी चल रहा है, कोई भी subject उस पर बातचीत हो सकती है. Third is incorrect, तो B is the correct answer, okay? So I have also, you know, created this kind of artistic slide for you. Composition of the council, we have the Prime Minister as the chairman of the council. Then we have CM of all the states as the members. CMs of union territories having legislative assemblies. Administrators, jo governor general hote hain, LGs hote hain of union territories not having legislative assemblies. Governors of states under president rule, all the leaders and, you know, you can say representatives of the states and union territories are a member. Okay, six central cabinet ministers including home minister, they will be nominated by the prime minister, and five ministers of cabinet rank
आर परमानेंट इन्वाइटीज ऑफ द काउंसिल. ये सारे इस काउंसिल के इन्वाइटीज हैं, मेंबर्स हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वाज इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड. इस काउंसिल को एस्टैब्लिश ही क्यों किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ मेकिंग इलैबोरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स थ्रू द थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट अंडर द सेवंथ शेड्यूल. ओके, सेवंथ शेड्यूल वॉज आस्क्ड इन प्रीलिम्स इन 2019, सो मेक श्योर दैट यू स्टडी इट प्रॉपरली. ओके, नाउ द सेंटर टुक डिफरेंट स्टेप्स टू रिजॉल्व चैलेंजेस एंड डिफरेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, एंड दैट इज व्हाई यू नो अ कमिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस आर ए सरकारिया. एंड सरकारिया कमिटी रिकमेंडेड दैट देर शुड बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल विच विल बी एन इंडिपेंडेंट नेशनल फोरम विच कैन डिस्कस द इशूज एंड द चैलेंजेस विच द सेंटर एंड स्टेट्स और द स्टेट्स आर फेसिंग एंड विच कैन बी सॉल्व थ्रू डिस्कशन. ऑलराइट, तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया इंटर स्टेट काउंसिल को. इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990 अंडर आर्टिकल 263. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया. सो इन द कॉम्पोजिशन वी हैव द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, देन वी हैव यूनियन मिनिस्टर्स एज अ मेंबर्स, एंड बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है. हियर द लिस्ट इज ओवर हियर इन दिस स्लाइड. Alright, and this new interstate council has all these union ministers. You can see list mein sab mentioned hai. Now, why standing committee is created in the interstate council? Standing committee is created so that the consultations can be carried out in a formal manner. Standing committee ke through kya hota hai? Jo pura formal process hota hai na, ki kaise hume mudde ko saamne rakhna hai, kaise uspe debate karni hai, ya kaise discussion karni hai, kaise solve karna hai issue ko, wo sab standing committee mein likha hota hai. Theek hai, point clear ho gaya? स्टैंडिंग कमिटी का रोल होता है. एंड इन द स्टैंडिंग कमिटी द चेयरपर्सन इज अमित शाह जी. अब ये जो स्टैंडिंग कमिटी बनाई है उसमें चेयरपर्सन है हमारे अमित शाह जी, एंड ऑल ऑफ दीज आर दी अदर मेंबर्स. ऑलराइट, ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी दीज आर द मेंबर्स, सीएम ऑफ यू नो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, तो ये सबके सीएम भी हैं जो मेंबर्स हैं. Now question number 14, let us answer question 14. Consider the following statements. Article 253 of Indian Constitution provides an interstate council. Interstate council works to promote and support cooperative federalism. Second statement is correct. So D aap hata do yahan se. First statement is wrong. Why it is wrong? Let me know. Kyun galat hai first statement? Jaldi se batao mujhe. Yes, Article 263, not 253. ऑलराइट, अब समझ आ गया. तो दैट इज वाई न्यूज पेपर रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बुक से नहीं पूछी जाती. दे आर नॉट आस्किंग फ्रॉम द बुक, दे आर आस्किंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स इटसेल्फ. जो भी आपके आसपास चल रहा है, जो आप लास्ट डेढ़ साल दो साल से न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, वहीं से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं. दैट इज वाई डू नॉट थिंक दैट इफ यू हैव यू नो रेटिफाइड द एंटायर बुक 100 नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू नो दैट मींस कि बस हो गया, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम ही बादशाह है. नहीं, करंट अफेयर्स अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका आपकी 70% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई. ऑलराइट, बिकॉज 70% ऑफ द पेपर इज करंट अफेयर्स बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डीमा हसाओ इज द ज्योग्राफिकल लिंक टू अ वास्ट रीजन कंप्राइजिंग सदर्न आसाम्स, बाराक वैली, पार्ट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. द रेलवे ट्रैक एट डीमा हसाओ इज वाइटल फॉर इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी. अभी राइट नाउ इन असम फ्लड द रेलवे ट्रैक वॉज यू नो डिस्ट्रॉइड, दैट इज बाय दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज सी. बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. The next important article, a new billionaire every 30 hours during the pandemic. So another important article, COVID-19 pandemic created a new billionaire every 30 hours and it is expected to make a million people, you know, to push a million people into extreme poverty as well. This has been, you know, published in the report titled Profiting from Pain. It is published for the World Economic Forum by Oxfam. Oxfam International ने ये article publish किया है World Economic Forum के लिए, because the meeting is going on right now. So this article has been published over there. How the wealth was created during pandemic and how million of people also lost their wealth and their jobs. कैसे अगर you know entrepreneurship boom पे आया है, अगर pandemic के दौरान startups boom पर आए हैं, और तो कैसे लोगों ने jobs भी खोई हैं. So here the question, the report titled Profiting from Pain is made for Oxfam International, World Economic Forum, CPTPP, none of the above. Read the question very carefully. It is made for, not made by.
मेड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज मेड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, किसके लिए? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सफैम इंटरनेशनल वाज फाउंडेड इन 1942, 1789, 1950 और 1947. वेरी स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चन है. ए इज द करेक्ट आंसर, 1942. क्वेश्चन 18 सी, रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बिकॉज इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, 2 to 3 क्वेश्चंस, दैट मींस 4 to 6 मार्क्स. चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, TPP और WTO. चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक, तो सी तो ऑब्वियसली होगा, ट्रांसपास्ट पार्टनरशिप यू नो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो होगा ही नहीं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा ही नहीं. WTO भी हट गया, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट है. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इसमें से कौन पब्लिश करता है? इट इज डी, वर्ल्ड बैंक. क्वेश्चन 20, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? जस्ट नाउ वी स्टडीड, अभी जब क्लास स्टार्ट की थी ना, व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास, वी जस्ट स्टडीड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यस, इट इज सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड. सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस दैट वी सॉल्वड थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर यू नो एनालिसिस टुडे. आई होप यू आर एंजॉयिंग दीज लेक्चर्स. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ना, देखो लेक्चर्स आर 1 hour and 40 minutes के लेक्चर्स होते हैं, आपके कभी 40 minutes का होता है, समटाइम्स इट इज अ 1 hour, बट द मेन एम इज दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. दैट इज माई मेन गोल ऑफ प्रिपेयरिंग दीज लेक्चर्स. इट टेक्स मी 1 hour टू प्रिपेयर दीज लेक्चर्स, 1 hour to 1 hour 30 minutes. 1 to 1.5 hours लग जाता है मुझे रोज ही लेक्चर बनाने में, क्वेश्चन बना फॉर्म करने में. बट मेरा एम यही रहता है कि ये लेक्चर अगर मैं बना रही हूँ, 1 to 1.5 hours लगा रही हूँ, तो आप इससे कुछ नया इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, कुछ हर दिन नया सीख रहे हो. तो अगर आप सीख रहे हो ना कुछ, तो कमेंट सेक्शन में बता दो यार, ठीक है? जो भी सीख रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड.